हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बॉडी डबल कांग्रेस यूज कर रही है। असम के मुख्यमंत्री ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह असम में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। आप भी इस वीडियो को सुनिए। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में, मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए सैनल हैज पोज इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है, तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के। तो ये इंडिया टुडे एनी है ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। अब बात यही नहीं रुकी है, कांग्रेस ने हेमंता का वो वीडियो शेयर करते हुए उसका मीम बना डाला है और अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर किया है। आप उस मीम को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात यही खत्म नहीं हुई, जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में चल रही थी तब से ही कांग्रेस और हेमंत विश्व शर्मा की लड़ाई अलग लेवल पे पहुंची नजर आती है। आप सब जानते होंगे कि हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद। अब इस बयान पर कांग्रेस ने भी चुटकी ले ली थी। प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि लोकसभा चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हेमंत विश्व शर्मा जी, जिसके जवाब में हेमंता ने कहा था कि चुनाव के दौरान हमें राहुल गांधी की जरूरत है भाई। अब खड़गे ने फिर से इसका जवाब दिया है, उन्होंने लिखा है, भाई साहब 10 साल बाद भी आपको अपने स्टार प्रचारक गोदी मीडिया CBI IT ED की जरूरत है, उन्हें बाहर निकाले और आपको दिखेगा कि आपका महल ढहरा है। आपके नेता बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ना ही किसी को संबोधित कर सकते हैं। लोगों के साथ पदयात्रा करना तो दूर की बात है। हेमंत विश्व शर्मा और कांग्रेस की लड़ाई एक अलग लेवल पर पहुंचती नजर आती है। अगर आप दोनों नेताओं के या फिर दोनों पार्टियों के सोशल मीडिया पेज को देखेंगे तो आपको बहुत सारे मीम्स मिलेंगे, यानी एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा धमाका आपको इन दोनों के दोनों नेताओं के या फिर सोशल मीडिया पेजेस पे आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।